अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश, तरोताज़ा और पुरसकून होंगे और अपने जिम्मेदारियों को फ़र्ज समझते हुए खूब तरीके से सरंजाम देते होंगे। हमें कॉल करें और हमें मुझे कॉल करें, कोई भी सवाल, कोई आपको प्रॉब्लम है किसी किस्म की या वैसे एग्जिस्टेंसेस के बारे में पूछना चाहते हैं, मेरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें कॉल करें। और एक कॉलर होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? रुबीना बात कर रही हूँ, डेरा राजस्थान से। जी रुबीना, क्या कहना चाहती है आज के प्रोग्राम में? जी मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैंने अपने अबू को भी किया है। आप हमारे स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट है, 1-4 लेवल की कर चुका हूँ और आगे भी कर रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत। अल्लाह को और ताकतें दें और हिम्मत दें, अल्लाह आपको और आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ें। और नॉलेज जहाँ से भी होती है वहाँ से सीखने चाहिए ना, और पॉजिटिव नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या सीखा हमसे? मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे जोड़ों में, पट्ठों में इनमें दर्द रहता था, वो ठीक हो गया है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1-4 लेवल किया था तो उससे हीलिंग करती हूँ मैं। अपने बच्चों को भी क्या, मुझे बुखार था वो सही हो गया। माशाल्लाह, आपने ऑनलाइन अटेंडमेंट लिए थे कि लाहौर आई थी? लाहौर आई थी। अच्छा, लाहौर आए थे, वहाँ से लिए आपने, ठीक है। मैं अभी फिर लाहौर को 16 को आ रहा हूँ इंशाल्लाह, और आगे लेवल्स भी आप कर सकते हैं और दूसरों को भी आप इनवाइट करें, बुलाएं, और जिनको कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, ये हमारा अब ड्यूटी है जो अल्लाह ने लगाई है कि हम दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो और उनकी खुशियों में भी शामिल हो हम। तो आप दूसरों को भी इंशाल्लाह रागिब करेंगे। कोई सवाल करना चाहती है आज क्या? जी ये मैं सवाल आपसे करना चाहती थी। मेरे छोटे से भांजे है जी, 3 साल की उम्र है उनकी, तो सुमा का भी मर्ज है, नाक बंद रहती है उनकी। नाक बंद रहती है अस्थमा का, वो मुंह से लगता है बड़े मुश्किल से ना वो। जी मैं कौन सा लेवल करूं जो इनका? बिल्कुल, आप लेवल 1, 2 एंड 3 से उनके हेल्प करें और जो तरीका बताया गया उसके मुताबिक। और अगर वो आपसे दूर है तो आप लेवल मेरे पास ही है, मेरे साथ ही रहता है। बिल्कुल, फिर तो बहुत आसान है, लेवल 1, 2 एंड 3 से कर ले। जब उनसे आप एक चांस सेशन दे दे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो लेवल 5th और 7 में बिल्कुल वो क्रोनिक डिजीज क्योर हो जाते हैं। ठीक है, आपके दोस्त भी आपसे बात करना चाह रहे थे। जी कौन सा मेरा दोस्त? शेर। जी जी बात कराएं। मेरा दोस्त है, मैं जी आपके दोस्त बन गया। जी जी मैं मेरा दोस्त कहाँ है? हेलो मेरा दोस्त। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छे हो? ठीक हो? तो तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो? जी, आप बिल्कुल, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरा दोस्त है। बहुत अच्छा हुआ हमने टीवी पे दोस्ती कर ली है, तो फिर तो मिलने आऊंगे ना। आपसे क्या था? हाँ दोस्त, दोस्त बहुत बहुत आपसे मुलाकात हुई थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है हमने हाथ मिलाए थे और हमने दोस्ती कर लिए थे ना। मैं आपसे सीखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितने अच्छे और कितने प्यारे स्टूडेंट होंगे मेरे, इतने इंटेलिजेंट है आप, इतने अच्छे हैं, प्यारे हैं
और बहुत माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है आप, बहुत अच्छे, और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। फ़ोन कट के, बहुत अच्छे है। और इसी तरह हमें कॉल करते रहें और हमसे अपने राय से, बिलखसूस स्टूडेंट्स हमें कॉल करें और स्टूडेंट्स हमें अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें, और जो लोगों के दर्द दुख है वो ठीक होने चाहिए और हम उनमें शामिल होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला जो है वो बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत करीम है, रहीम है और सत्तार है, गफार है, बेनियाज है, तो हमारे मसाइल को हल करते हैं। और हमें कोई ज़रिया ढूंढने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बग़ैर ज़रिया बग़ैर सबब कुछ है नहीं, तो इस वजह से कोई ना कोई ज़रिया या आप बनते हैं मेरे लिए या मैं बनता हूँ आपके लिए, अल्लाह ताला कोई सबब बना लेते हैं, या जड़ी बूटी से या किसी और चीज़ से या किसी और चीज़ से, कोई ना कोई इलाज कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हनीफ भाई बात कर रहा हूँ, कराची से। अच्छा हनीफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे 5 लेवल किए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको दुआएं देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुआएं देते हैं। और इस तरह मुझे उम्मीद है कि मुझे सारे स्टूडेंट दुआएं देते होंगे। आप भी दुआएं दे। हम भी आपको दुआएं दे रहे हैं और अल्लाह आपको बहुत सारे और खुशियां दे, इल्म अता फरमाए अल्लाह ताला और ज्यादा, और हमारे अखलाक हमारे तमाम चीज़ें और ज्यादा बेहतर कर सके, हमारे अल्लाह हमारी तामीरी शख्सियत कर सके, और हमें बहुत अच्छाइयों की तरफ और ज्यादा अच्छाइयों की तरफ ले जा सके। अल्लाह ताला अपने बंदों की खिदमत हमसे ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यह है कि किसी के अगर दर्द दुख दूर होते तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा उन्हीं से चीज से खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला बंदों से बहुत प्यार करते हैं अपने बंदों से, तो अगर आपके हाथ से बगैर साइड इफेक्ट्स के किसी के दर्द दुख दूर होते हैं आपकी वजह से, तो अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमें और इलम अता करते हैं, बहुत सी चीजें देते हैं। घर वालों पे तो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबान से बहुत फायदा हो रहा है इनको। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरे ही बहनों, ये उनके बाल जो बहुत गिर रहे हैं जी जी काफी अच्छे से, तो इसके लिए क्या करूँ डॉक्टर साहब, थोड़ी गाइड कर दे। लेवल 8 में होते हैं कि कुछ ऐसे जो है बाल तो गिरना रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे और तरीके भी हैं कि मसलन अगर आजमाए जाएं तो बहुत सारे चीजों के बालों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत अच्छे लगते हैं उसके लिए। कौन सा लेवल करें उसके लिए? कोई भी लेवल 8 मखसूस है इस चीज के लिए, लेकिन बाकी लेवल को भी आजमा लें और बहुत अच्छा। हमारे एक स्टूडेंट है उनके बाल आ गए, एक और स्टूडेंट है उनके भी पहले जो चंद साल पहले वो भी थोड़े बहुत बाल आ गए थे, और बहुत ही अच्छे इनके अच्छे एक्सपीरियंसेस है लोगों के स्टूडेंट्स के हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, उसका एक बेटा है 7 साल का जी, तो उसको बवासीर हो गया है। अच्छा, बहुत तकलीफ है उसे, उसे क्या करूँ मैं उसके लिए? हाँ, बवासीर के लिए देखिए कोई वजह हो सकता है, वजह हो सकता है मैदे की तेजाबियत हो सकती है या मैदे के प्रॉब्लम कोई हो सकते हैं, तो या उनके एसिड्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि एसिड्स है क्या है उसकी वजह से जो है ना कब्जियत बनता है, कब्जियत की वजह से बवासीर बनते हैं। तो बात ये है कि पहले तो मैदे का इलाज किया जाए, मैदा अगर सही है तो बवासीर नहीं बन। बवासीर 2 किस्म की होती है, एक तो वैसे जरासीम से होती है जो कि वो मैदे से कोई ताल्लुक उसकी नहीं है,
ठीक है, और एक होते हैं कि मकसद वो जख्म पैदा होती है उस वजह से, यानी जब स्टूल बहुत ज़्यादा वो यानी बहुत मजबूत हो जाता है अंदर से, तो वो चीज़ के वो बाहर जब पास करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से जख्म पैदा होते हैं और वो बवासीर की शक्ल में सूरत में आते हैं। तो आप इस तरह करें कि इसका इलाज इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इलाज इसमें है, पहले तो डॉक्टर से ज़रूरी जो करे वजह क्या है, और वो आपको तजवीज़ भी करेंगे कुछ चीज़ें, उस मेडिसिन को भी एनर्जाइज़ कर सकते हैं। और साथ साथ मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ कि साथ ही पानी को एनर्जाइज़ करें, सिंपल पानी को एस पेगोल को एनर्जाइज़ करें और वो लेते रहें, इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। जी शुक्रिया। और मैं आपको बताऊँ, पेट पे हाथ रखे दोनों, ठीक है, दोनों हाथ रख के पेट पे उनको एनर्जी दे दे। अच्छा, कौन सा लेवल करूं मैं? आपने कौन से लेवल तक किए? सिक्स तक? फाइव तक किए। अच्छा, तो आप इस तरह करें कि लेवल फिफ्थ से बहुत से कोरोनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं, लेवल फिफ्थ से ही करें, साथ लेवल टू पे इस्तेमाल करें, थ्री पे इस्तेमाल करें, क्योंकि थ्री से आप चीजों को एनर्जाइज करके देंगे। मेरी बहन का एक लड़का था और 1.5 साल का था तकरीबन, तो वो 1-2 महीने से बिल्कुल खाना नहीं खा रहा था और रात को सोता नहीं था, तो उसको मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैंने उसको एनर्जाइज पानी दिया है और 2-3 मिनट के लिए उसके सर पे हाथ रखा, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी के दर्द दुख दूर होने में शामिल जब इंसान होता है तो अल्लाह ताला उनके बहुत से दुख दर्द और कल्बे सुकून मिलते हैं। बहुत अच्छा आपने काम किए है, अल्लाह आपको और खुशियाँ दें। और कुछ कहना चाहते हैं? आपने मेरे नए किताब जो आई हुई है वो पढ़ लिए हैं? वो किताब मैंने ली है, आपसे कहा है कल मैं आया था आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, वो किताब ली है मैंने, अभी मुकम्मल पढ़ी नहीं उसे। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ूंगा फिर आपको मैं फिर वो। अच्छा, उसमें भी बहुत सी तरीके हैं वो कब्जियत की, वो पूरा डॉक्टर है, वो कम्प्लीट डॉक्टर है। आप प्लीज उनको, यानी नेचुरल डॉक्टर है वो, हमारी तरह एलोपैथिक डॉक्टर नहीं ना, नेचुरल डॉक्टर है, ठीक है। इसको लाजमी पढ़े और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ सकें, इसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद है। और इसमें तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, कॉल ड्रॉप हो गए, मैं अब ऑन एयर आपको बता रहा हूँ कि ये जो बुक है इसमें पढ़ ले, हर्बल हीलिंग है, इसमें हर्ब से जड़ी बूटियों से आप इलाज कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, नेचुरल है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी है, जो आप रिंग्स पहनते हैं या कुछ और इस तरह के, वो पहला पढ़ के फिर आपने करनी है। और दूसरे इसमें दूसरे बहुत ही अच्छे योगा पे इसमें बड़े अच्छे इंफॉर्मेशन है, और होना थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, इसमें काफ़ी सारे कलर थेरेपी पे बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। और इसमें जिलसेंसिस पे है कि जिलसेंसिस क्या है और कौन से हीलिंग क्या है, आपको ये बहुत ज़बरदस्त इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि हीलिंग क्या है, यानी इलाज मालजा क्या है, कैसे करनी चाहिए, एक हीलर कैसे बनने चाहिए और एक हीलर के क्वालिटीज़ खूबियाँ कैसे बनाए जा सकते हैं। आप ख़ुद बना सकते हैं अपने हीलर के, अपने हीलिंग के जो एक उनके एक रवैया और एक तर्स होते हैं, उनका जो एक निज़ाम होते हैं, वो इस किताब में मौजूद है। और आप इस किताब को मार्केट से लें या हमें कॉल करें, हम आपको या आपके घर तक आपको पोस्ट करते हैं, घर में आपको मिल जाएंगे।